ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ सुंदरी सखी। बैद्यनाथ सुंदरी सखी महिलाओं का संतुलित स्वास्थ्य टॉनिक जो रक्त साफ करने में है लाभकारी। अब कुछ दिन पहले मेरे पास एक दोस्त का फोन आया। वो बहुत परेशान था। उसको अपनी पत्नी को अस्पताल में एडमिट करवाना था। उनके प्लेटलेट्स लाखों से घटकर कुछ हजार रह गए थे, वो भी एक या दो दिन के अंदर। अब सबने प्लेटलेट्स शब्द तो बहुत सुना होगा। इसका जिक्र अक्सर डेंगू या फिर मलेरिया के साथ होता है। डेंगू और मलेरिया में प्लेटलेट्स काफी ज्यादा घट जाते हैं। ये जानलेवा हो सकता है, इसलिए आपको खून चढ़ाया जाता है। पर मेरे दोस्त के केस में ना ही उसकी पत्नी को डेंगू हुआ था ना ही मलेरिया। जिंदा और हेल्दी रहने के लिए इंसान के शरीर में 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख प्लेटलेट्स होने चाहिए। अब सोचिए, अगर ये प्लेटलेट्स घटकर कुछ हजार रह जाएं तो डेंगू मलेरिया जैसे आम कारणों के अलावा किन वजहों से प्लेटलेट्स गिरने लगते हैं, आज के एपिसोड में यही पता करेंगे। डॉक्टर से जानते हैं प्लेटलेट्स गिरना खतरनाक क्यों होता है और किन लक्षणों से पता चलता है कि आपके शरीर में प्लेटलेट्स गिर रहे हैं। उससे पहले ये जान लीजिए कि प्लेटलेट्स आखिर होते क्या हैं और ये इतने जरूरी क्यों हैं। प्लेटलेट का शरीर के अंदर काम होता है, प्लेटलेट शरीर के ऐसे पदार्थ हैं जो शरीर में कहीं पर भी कट जाए या कहीं पर से खून निकल रहा है, किसी को चोट आ जाती है उसकी वजह से खून निकलता है, तो उसके अंदर जो खून के प्रवाह को रोकने का काम प्लेटलेट करते हैं। प्लेटलेट के कम हो जाने से या प्लेटलेट की किसी की नंबर में कमी हो जाए, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट जो होता है वो शरीर में 1.5 से 4.5 लाख के आसपास का होता है। किसी व्यक्ति की प्लेटलेट काउंट यदि कम हो जाए तो उसको क्या तकलीफें हो सकती है। प्लेटलेट का काम जैसे मैंने बताया कि शरीर के अंदर काम होता है ब्लीडिंग को रोकना, तो किसी के व्यक्ति के यदि प्लेटलेट काउंट कम हो जाए, प्लेटलेट की संख्या कम हो जाए, तो उसके वजह से, प्लेटलेट के कम होने की वजह से उस व्यक्ति को अलग अलग जगह से ब्लीडिंग हो सकती है, रक्त का प्रवाह बंद नहीं होगा। जैसे मंजन करते समय मसूड़ों से खून आना, काली लैटरिन होना, लाल पेशाब होना, शरीर के ऊपर लाल काले धब्बे पड़ जाना, तो इस प्रकार के सारे सिम्टम्स जो है, इस प्रकार के सारे लक्षण जो है वो प्लेटलेट की कमी की वजह से हो सकते हैं। जो प्लेटलेट की कमी किस वजह से होती है, मूलतः इसके दो कारण होते हैं। या तो शरीर के अंदर प्लेटलेट बन नहीं रहे, यानी कि जहां पर प्लेटलेट बनते हैं शरीर के अंदर, यानी बोन मैरो अस्थि मज्जा, वहां पर से बोन मैरो से प्लेटलेट बन नहीं पा रहे हैं, या फिर शरीर के अंदर प्लेटलेट बन तो नॉर्मल रूप से स्वाभाविक रूप से बन रहे हैं किंतु किसी व्यक्ति के प्लेटलेट टूट रहे हैं। तो जो टूटने वाला कारण होता है किसी व्यक्ति के अंदर, उसका कारण होता है, सबसे ज्यादा साधारण कारण है वो है ITP, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या फिर इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जिसे कहते हैं। दूसरा कारण होता है कि प्लेटलेट बोन मैरो से अस्थि मज्जा से बन ही नहीं रहे हैं। उसके कॉमन कारण अलग अलग प्रकार के कारण होते हैं, जैसे किसी को न्यूट्रिशनल की कमी हो, B12 शरीर के अंदर विटामिन B12 की कमी है, A+ एनीमिया है शुरुआती दौर के अंदर जिसके अंदर प्लेटलेट का प्रोडक्शन कम हो गया है, या कि किसी को लीवर की समस्या है, क्रोनिक लीवर डिसीज जिसे बोलते हैं, जिसकी वजह से प्लेटलेट का कंजम्पशन स्प्लीन के अंदर ज्यादा हो रहा है। तो इस प्रकार के कुछ साधारण कारण होते हैं जिसकी वजह से प्लेटलेट की मात्रा में कमी आ सकती है। इलाज कैसे करना है वो डिपेंड इसी चीज पे करेगा, इसी चीज पर आधारित होगा कि किस कारण से प्लेटलेट कम हो रहे हैं। यदि ITP की तकलीफ है, यानी कि डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है, उस केस के अंदर जो ट्रीटमेंट होगा वो स्टेरॉइड का होगा, IVIG का होगा, अलग प्रकार के, इस प्रकार के डुक्सीमैब का होगा, इस प्रकार की ट्रीटमेंट से उसे प्लेटलेट्स को ठीक किया जा सकता है। प्लेटलेट्स क्यों कम हो जाते हैं ये तो समझ में आ गया, इसलिए डॉक्टर के बताए गए लक्षणों पर ध्यान दीजिए। अगर आपको ये महसूस हो रहे हैं तो अपना ब्लड टेस्ट जरूर करवाइए। टेस्ट से पता चल जाता है कि आपके असल प्लेटलेट काउंट जो है वो कितनी है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। अगर आपकी कोहनी या फिर आपके घुटने बहुत ज्यादा टैन हो गए हैं, डार्क हो गए हैं, तो ये घरेलू टिप्स आपके काम आ सकती हैं। कई बार टैनिंग और कुछ मेडिकल कारणों से आपकी कोहनियाँ और घुटने, इसकी स्किन काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाती है और बहुत कड़ी हो जाती है, रफ़ हो जाती है। ऐसे में कुछ होम रेमेडीज यानी घरेलू टिप्स आपके काम आ सकती हैं। आपके किचन में कई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है ये, हमें बताया डॉक्टर अमृतम गोयल ने। बेसन में कच्चा दूध मिलाकर स्क्रब कर सकते हैं, बराबर मात्रा में सिरका यानी विनेगर और दही का मिश्रण लगा सकते हैं। इस मिश्रण में लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड दोनों होते हैं जिनसे स्किन की टैनिंग और डार्कनेस कम होती है। आपको स्किन को हाइड्रेट भी करना चाहिए, जिसके लिए ओटमील और एलोवेरा बहुत अच्छा है।
आप जो भी टिप ट्राई कर रहे हैं उसे एक महीना करके देखिए। अगर कुछ ओवर द काउंटर मरहम लेना चाहते हैं तो उसमें AHA, BHA, कोजिक एसिड, एसलेइक एसिड होना चाहिए। इसमें यूरिया भी हो सकता है। और एक बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट जो आपके घर पर है वो है ओटमील। ये डेड स्किन को निकालने के साथ स्किन को नमी भी देता है। इसके अलावा आप थोड़ा सा नारियल का तेल, नमक और ओटमील डालकर एक मिक्सचर बनाइए और उस पर आप 2 चम्मच दूध मिला सकते हैं। इसे स्टोर भी किया जा सकता है। इसे अपनी कोहनी और घुटने को स्क्रब करिए और फिर धो लीजिए। पर सबसे ज़रूरी बात, अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो बिना डॉक्टर की सलाह के टिप्स ट्राई मत करिए, रिएक्शन हो सकता है, समझे। अब आ रही सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकासी हेल्थ टिप। जानिए हेल्दी स्किन के लिए आप कौन सा तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्किन के ऊपर तो मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं पर स्किन को अंदर से भी पोषण की जरूरत होती है। इसके लिए आपको अपनी डाइट में ऑलिव ऑयल शामिल करना चाहिए। इसमें होता है विटामिन ए, विटामिन ई और फैटी एसिड्स। इनकी मदद से आपकी स्किन को नमी मिलती है और साथ ही उसमें खिंचाव बना रहता है। इसके लिए आप अपने खाने को ऑलिव ऑयल में बना सकते हैं, सलाद के ऊपर उसे छिड़क सकते हैं और साथ ही स्किन पर भी लगा सकते हैं। आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। ललन टॉप ने किताबों से जुड़ा एक नया डेली शो शुरू किया है, नाम है किताबी बातें, जिसमें होगी रोज एक नई किताब और उससे जुड़े रोचक प्रसंग। दोपहर 12 बजे तो जरूर देखिए।